नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज व्हाट इज एन एटम। व्हाट इज एन एटम? प्रीवियस क्लास में हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में समझा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या थी उसके बारे में समझा। अब जो इस चैप्टर में बार बार डिस्कस कर चुके हैं अभी तक, एटम एटम एटम, एक्चुअली एटम है क्या वो अब हम समझेंगे। सी, हैव यू एवर ऑब्जर्व अ मैसोन बिल्डिंग वॉल्स? मैसोन वो होते हैं, मैसोन एक ऐसा पर्सन होता है, एक ऐसा स्किलफुल पर्सन होता है जो बिल्डिंग बनाता है। जैसे आपने देखा ना, एक पर्टिकुलर पर्सन होता है जो धीरे धीरे ब्रिक्स पे ब्रिक्स लगा रहा होता है, ब्रिक्स से फिर वो वॉल्स बनाता है, वॉल्स से रूम बनाता है, रूम से वो बिल्डिंग्स बनाता है, उसको मैसोन कहते हैं, राइट? हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ मैसोन बिल्डिंग वॉल्स? फ्रॉम दीज वॉल्स अ रूम, वॉल से फिर वो रूम बनाता है, एंड देन अ कलेक्शन ऑफ रूम्स टू फॉर्म अ बिल्डिंग, और फिर उन्हीं रूम्स के साथ जैसे जैसे रूम्स बनते जाते एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, राइट? व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ह्यूज बिल्डिंग? अब इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? व्हाट अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन आंट हिल? इट इज अ स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड। सिमिलरली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर्स आर एटम। इसी तरह किसी भी मैटर की अगर हम बात करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक जैसे हमने पढ़ा था ना, बायो में स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज अ स्ट्रक्चर यूनिट और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो उसमें क्या कहा था हमने कि सेल जो होता है काइंड ऑफ ए बिल्डिंग ब्लॉक होता है। अब आप, मैं सेल को बिल्डिंग ब्लॉक कह रहा हूँ, अब आप ये देखो कि जो भी आपके छोटे छोटे बैक्टीरियल सेल होते हैं या फिर जो आपके वायरस होते हैं छोटे छोटे से, जो बहुत ही छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उसमें भी मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। तो आप सोचो कि एटम्स कितना छोटा होता है। इवन वो छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं जो हमें आसपास है, बहुत ही छोटे होते हैं। इवन वी कैन नॉट सी दो सेल्स, बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं वी कैन सी दम विद द नेकेड आई। वो भी ऐसे सेल्स जो इतने छोटे छोटे सेल्स होते हैं उसमें भी बहुत सारे एटम्स होते हैं, वो बहुत सारे एटम मिलियंस ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि एटम्स कितना छोटा पार्टिकल होता है, इट इज एन इनडिविजिबल पार्टिकल, राइट? तो यही कहा जा रहा है, सिमिलरली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर्स आर एटम्स। अब जो चीज मैं आपसे डिस्कस कर रहा था अभी, हाउ बिग आर एटम्स, कि एटम्स कितना बड़ा होता है। एटम्स आर वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा होता है। दे आर स्मॉलर देन एनी थिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद। वो इतना छोटा होता है कि मतलब आप किसी चीज से उसका कंपेरिजन ही नहीं कर सकते। कंपेरिजन तब होता है ना कि ये इसकी तरह होता है, वो हर चीज से छोटा होता है, क्योंकि हर चीज जो वो एक एटम की बनी हुई है, हर चीज जो वो एटम की बनी हुई है, ठीक है? मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स, मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स व्हेन स्टैक्ड, तो बहुत सारे मिलियंस ऑफ एटम्स को आप एक साथ ऐसे जोड़ दोगे, वुड मेक अ लेयर बेयरली एज थिक एज दिस शीट ऑफ पेपर। तो पेपर कितना थिक होता है? बहुत ही पतला होता है पेपर। उस पेपर की थिकनेस के बराबर भी अगर आपको एटम्स को रखना हो तो मिलियंस ऑफ एटम्स को आपको जोड़ना पड़ेगा, मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स, करोड़ों, ठीक है? एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। जो एटम की रेडियस होते हैं उसको हम नैनोमीटर में मेजर करते हैं। नैनोमीटर बहुत छोटी यूनिट होती है। 1 मीटर इज इक्वल टू 10^9 नैनोमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 10^9 नैनोमीटर, 10^9 नैनोमीटर, ठीक है? तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10^9 नैनोमीटर। ये क्लियर हो गया, ठीक है? अब कुछ एटम्स का रेडियस क्या होता है वो बताया गया, जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम्स की जो रेडियस होती है वो 10^-10 मीटर होती है। मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो होते हैं उसका जो रेडियस होता है 10^-9 होता है। इसी तरह से मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन, दैट इज 10^-8। ग्रेन ऑफ सैंड, उसका जो रेडियस होता है वो 10^-4 होता है। आंट का रेडियस 10^-2 होता है। वाटरमेलन का जो रेडियस होता है 10^-1 होता है। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है? अब क्वेश्चन ये बनता है, वी माइट थिंक दैट इफ एटम्स आर सो इनसिग्निफिकेंट इन साइज, भाई अगर एटम इतना ही छोटा होता है जो हमें दिखाई भी नहीं दे रहा, इतना छोटा है, व्हाई शुड वी केयर अबाउट देम? तो हम क्यों उनके बारे में पढ़ते हैं, क्यों हमें उसकी स्टडी करने की जरूरत है? तो बहुत सिंपल सा आंसर है, हर चीज ही एटम की बनी है, तो एटम की स्टडी को आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। हर चीज जो, इवन हमारी बॉडी या हमारे चारों तरफ हम कुछ भी देख रहे हैं, वो सब चीजें किससे बनी है? एटम से बनी हुई है। दिस इज बिकॉज अवर एंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम। पूरा का पूरा जो एंटायर वर्ल्ड है वो एटम से ही बना हुआ है। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी एटम्स। वी मे नॉट बी एबल टू सी देम। हाँ ये बात ठीक है कि इतने छोटे होते कि हम उनको नहीं देख सकते,
बट दे आर देयर, बट वो है, उनकी एग्जिस्टेंस है, बिकॉज कोई भी चीज है वो एटम से ही बनी हुई है, एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वट एवर वी डू. और जो भी हम करते हैं उसमें एटम्स का कोई ना कोई रोल रहता ही है, वट एवर वी डू उसमें कहीं ना कहीं एटम्स की इन्वॉल्वमेंट रहती है, राइट. थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स वी कैन नाउ प्रोड्यूस मैग्निफाइड इमेजेस ऑफ सरफेस ऑफ एलिमेंट शोइंग एटम्स. ठीक है, ये क्लियर हो गया. इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा. नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स. भाई इसका मतलब ये है कि जैसे आज के टाइम में अगर मैं कहता हूँ वाटर, तो आप वाटर को वाटर तो लिखोगे नहीं, वाटर का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं H2O. कार्बन डाइऑक्साइड, इतना बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं लिखा जाता, उसको क्या लिखा जाता है, CO2. तो अब बेसिकली हम सिंबल्स में बात करते हैं, हम किस में बात करते हैं, सिंबल्स में. तो ये चीज आपको बताई जा रही है, व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स. व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. अब सबसे पहले तो देखो, जब हम बात सिंबल्स की करें, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हुई होगी ना, कि ऐसा तो नहीं है कि भाई शुरू से पता था कि इसको इस तरह से लिखना है, इसको इस तरह से लिखना है. इसकी शुरुआत की थी डाल्टन से. डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल्स फॉर एलिमेंट्स इन अ वेरी स्पेसिफिक सेंस. सबसे पहले जो सिंबल्स वाला जो काम था या सिंबल्स की जो प्रेजेंटेशन थी वो डाल्टन ने रखी थी. व्हेन ही यूज्ड अ सिंबल फॉर एन एलिमेंट ही आल्सो मेंट टू अ डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ दैट एलिमेंट. भाई आप ये देखो, ये जितने भी सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये डाल्टन ने दिए थे. दिस इज अ सिंबल ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज अ सिंबल ऑफ कार्बन, दिस इज अ सिंबल ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज अ सिंबल ऑफ फॉस्फोरस. इस तरह से डाल्टन ने दिया था. पर ये सिंबल्स तो था, चलो ठीक है, पहले से तो कंपैरेटिवली इजी हो गया था, बट स्टिल नॉट कन्वीनियंट. फिर क्या हुआ, देन बर्जीलियस, देर वॉज अनदर साइंटिस्ट बर्जीलियस. वट ही सजेस्टेड दैट द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स बी मेड फ्रॉम वन और टू लेटर ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट. बर्जीलियस ने ये सजेस्ट किया था कि भाई एटम्स का सिंबल जिस तरह से डाल्टन ने दिया है इस तरह से नहीं होना चाहिए, जो उसका नाम है, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ले लिया H, एल्यूमिनियम से ले लिया Al, इस तरह से होना चाहिए. ये बात समझ में आ रही है, ठीक है. तो शुरुआत किसने की थी, डाल्टन ने, और उसके बाद फिर उसको और ज्यादा बेटर किसने किया था या मॉडिफाई किया था, वो किसने किया था, बर्जीलियस ने किया था. ये क्लियर हो गया, ठीक है. देन इन द बिगनिंग द नेम ऑफ एलिमेंट्स वर डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस. भाई शुरुआत में तो ऐसा भी होता था कि जो एलिमेंट्स के जो नेम होते थे वो जिस प्लेस में वो डिस्कवर हुए हैं उस पर होते थे, वेयर दे वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल द नेम कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम साइप्रस. अब साइप्रस वो जगह थी जहां पर कॉपर को डिस्कवर किया गया था, जहां पर वो कॉपर मिला था, तो साइप्रस से उसका नाम पड़ गया कॉपर, ठीक है. एंड सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर्स. और कुछ एलिमेंट्स के जो नेम थे, वो कलर्स के ऊपर थे, कलर्स के ऊपर. जैसे फॉर एग्जाम्पल गोल्ड. अब गोल्ड जो है वो इंग्लिश वर्ड है, गोल्ड एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मीनिंग होता है येलो, और मतलब गोल्ड का कलर भी येलो होता है, तो उस कलर के बेसिस पर उसका नाम पड़ गया गोल्ड. सो सब कुछ एलिमेंट्स के जो नेम रखे गए हैं, जो अभी हम पढ़ते हैं, जैसे कॉपर, कॉपर का नेम कैसे पड़ा, जिस जगह पे वो मिला था, साइप्रस पे मिला, तो साइप्रस से उसका नाम पड़ गया कॉपर. और कुछ एलिमेंट्स के जो नेम हम देखते हैं वो कैसे रखे गए हैं, कलर के नेम पर, जैसा उनका कलर है. जैसे कि गोल्ड, गोल्ड का कलर येलो होता है, और इंग्लिश में येलो जो, येलो को कहा जाता है गोल्ड, ठीक है. सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम अ स्पेसिफिक कलर्स. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो. बट आज के टाइम में जो नेम्स रखे जाते हैं वो रखे जाते हैं एज पर IUPAC. IUPAC क्या है, नाउडेज IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. इसको और ज्यादा डिटेल में आप क्लास 10th में पढ़ोगे, इस पे आप ये सीखोगे कि IUPAC के अकॉर्डिंगली केमिकल नेम कैसे रखे जाते हैं, ठीक है. IUPAC, अब आज के टाइम में क्या होता है कि IUPAC अप्रूव करता है, IUPAC अप्रूव नेम ऑफ एलिमेंट्स, कि एलिमेंट्स का नेम क्या होगा. मैनी ऑफ द सिंबल्स आर द फर्स्ट वन और टू लेटर्स ऑफ द एलिमेंट्स नेम इन इंग्लिश. बहुत सारे एलिमेंट्स के जो सिंबल होते हैं वो क्या होते हैं, या तो उनका जो नेम का फर्स्ट लेटर होता है या टू लेटर जो होता है उस पर होते हैं. द फर्स्ट लेटर ऑफ ए सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज ए कैपिटल लेटर. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना. जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से हमने ले लिया सिंबल H. एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al. अब Al को आप कैपिटल A और कैपिटल L नहीं लिख सकते, गलत है.
जहां भी दो या दो से ज्यादा अल्फाबेट्स आपको किसी भी सिंबल में देखने को मिलेंगे, तो फर्स्ट अल्फाबेट जो होगा वो कैपिटल होगा, उसके आगे वाले सारे स्मॉल में होंगे। जैसे कैल्शियम, कैल्शियम का सी होता तो सी है, ये नहीं है तो चार्टेड अकाउंटेंट हो जाएगा, तो सिंबल ही चेंज हो गया। सीए का मतलब फर्स्ट अल्फाबेट जो होगा कैपिटल होगा, नेक्स्ट अल्फाबेट स्मॉल होगा, तो सीए ऐसे लिखा जाएगा। क्लोरीन सीएल, तो कैपिटल सी और स्मॉल एल, इस तरह से होगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यही आपको कहा जा रहा है। द फर्स्ट लेटर ऑफ ए सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज ए कैपिटल लेटर इन अपर केस कैपिटल, एंड द सेकेंड लेटर, अगर किसी भी सिंबल में दो लेटर आ रहे हैं तो फर्स्ट अल्फाबेट तो कैपिटल होगा और सेकेंड वाला स्मॉल होगा, एज ए स्मॉल लेटर लोअर केस। ये क्लियर हो गया? ठीक है, जैसे कुछ आपको एग्जाम्पल्स गिवन है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल होता है एल्यूमिनियम, एएल होता है, तो ए कैपिटल एल स्मॉल, नॉट कैपिटल ए कैपिटल। कोबाल्ट कैपिटल सी स्मॉल हो, नॉट कैपिटल सी कैपिटल हो। ठीक है, सिंबल ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड अ लेटर अपियरिंग लेटर इन द नेम। एग्जाम्पल्स आर क्लोरिन सी और एल, जिंक कैपिटल जेड स्मॉल एन एटसेट्रा। अदर सिंबल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द, और कुछ एलिमेंट्स के जो सिंबल्स हैं वो लेटिन और ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं। जैसे कि किसी भी एलिमेंट को लेटिन में क्या कहा जाता है, जो उसका लेटिन नेम होता है वहीं से उसका सिंबल लिया गया। अदर सिंबल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ एलिमेंट्स इन लैटिन, जर्मन और ग्रीक। फॉर एग्जाम्पल द सिंबल ऑफ आयरन इज Fe। Fe कैसे पढ़ा? आयरन में तो आई ही दिखाई दे रहा है आपको। Fe जो है फ्रॉम इट्स लैटिन नेम, आयरन को लैटिन में कहा जाता है, लैटिन में कहा जाता है फेरम, फेरम से इसका नाम, इसका सिंबल बन गया Fe। ऐसे सोडियम, सोडियम का जो सिंबल है वो Sa नहीं है, SO नहीं है, Na है। Na कहाँ से आ गया? लैटिन में Na जो होता है फ्रॉम नेट्रियम, लैटिन नेम है सोडियम का नेट्रियम, नेट्रियम से इसका सिंबल हो गया Na। पोटेशियम इज के, इसका लैटिन नेम क्या? कैलियम, तो कैलियम से इसका सिंबल आ गया के। देयरफॉर ईच एलिमेंट हैज अ नेम एंड अ यूनिक केमिकल सिंबल। ठीक है, अब जो एक, अभी एक टेबल है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये आप जब तक आप केमिस्ट्री के टच में रहोगे तब तक आपका ये टेबल कहीं ना कहीं यूज में आता रहेगा, तो दिस इज दैट मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है, AL, आर्गन का सिंबल। अब देखो जहां पे दो अल्फाबेट है, पहला लेटर कैपिटल है और सेकंड जो अल्फाबेट है वो स्मॉल है। बैरियम BA, फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल और सेकंड अल्फाबेट स्मॉल है। बोरॉन B, तो ये आपको पता होना चाहिए। ब्रोमाइन BrN, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, तो उसको बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, प्रॉपर सिंबल प्रेजेंटेशन सारी चीजें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज एटॉमिक मास। नेक्स्ट कंसेप्ट इज एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास नाम से समझ में आ रहा है, एटम का मास। अब आप थोड़ा सा इसको इमेजिन करके देखो, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि जो माइक्रोस्कोपिक सेल्स होते हैं, यानी कि जिनको माइक्रोस्कोप से हमें देखना पड़ता है, इतने छोटे सेल्स में भी मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, तो इंडिविजुअली तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम एटम्स को मेजर कर पाए। इज इट पॉसिबल टू मेजर द एटॉमिक मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम? पॉसिबल ही नहीं है, राइट? तो फिर किस तरह से इसकी मेजरमेंट की गई है? जो हम देखते हैं कि इस एटम का ये मास होता है, या फिर जो आप टेबल में स्टडी करोगे वो कैसे मेजरमेंट हुई है, वो आप इसमें पढ़ोगे, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो देखो हुआ क्या, द मोस्ट रिमार्केबल कंसेप्ट दैट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड वाज दैट ऑफ द एटॉमिक मास। मीन्स वेन इट वॉज वेन साइंटिस्ट वो फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द मास ऑफ एन एटम, ऑफ एन इंडिविजुअल एटम, तो उस वक्त जो आगे आए थे वो कौन थे? डाल्टन। उन्होंने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट हैड अ कैरेक्टरिस्टिक एटोमिक मास, द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन सो वेल दैट साइंटिस्ट वर प्रॉम्प्टेड टू मेजर द एटोमिक मास ऑफ एन एटम। सिंस डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम वॉज अ रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क। अब क्यों डिफिकल्ट टास्क है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि बहुत ही छोटा होता है, पॉसिबल ही नहीं है कि एक इंडिविजुअल एटम के मास को मेजर करना। रिलेटिव एटोमिक मासेस वर डिटरमाइंड यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड द कंपाउंड फॉर्म। तो किस चीज का यूज किया गया एटम का मास को मेजर करने के लिए? रिलेटिव एटोमिक मास। अब रिलेटिव एटोमिक मास है क्या? अब प्रैक्टिकल अगर डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल देखो, जैसे हम दुकान पर जाते हैं कोई सामान लेना होता है, वहां एक तराजू रखा होता है,
बाट होता है, बाट के हिसाब से वो मेजर करते हैं। आपको 2 किलो दाल चाहिए, 2 किलो चीनी से, 2 किलो का उसमें बाट रखा जाता है, उसके हिसाब से मेजरमेंट की जाती है। उसको कहते हैं दो मासिस को रिलेट करके मेजर करना। एटम के मास को भी मेजर करने के लिए रिलेटिव एटॉमिक मास का यूज किया गया था। अब किसके साथ रिलेट किया गया था वो भी हम समझेंगे। यहां तक सारी बात समझ में आ रही है? ठीक है, देन लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ ए कंपाउंड। अब हम एक कंपाउंड का एग्जांपल लेते हैं। कंपाउंड क्या होता है? जो फिक्स रेशियो में कंबाइन होता है डिफरेंट एलिमेंट, राइट। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, अब यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन जो है फिक्स रेशियो में कंबाइन हो रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड ऑक्सीजन। इट वाज ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली दैट 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। भाई ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि 3 ग्राम जो कार्बन है वो 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है, तब कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, देन इन अदर वर्ड्स कार्बन कंबाइंस विद 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन। भाई आप ये देखो कि अगर मैं इसी कैलकुलेशन को थोड़ा आगे लेके जाऊं तो देखो 3 ग्राम कार्बन जो है 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, तो 1 ग्राम कार्बन की अगर मैं बात करता हूं, 1 ग्राम कार्बन, तो अगर मैं 1 ग्राम कार्बन की बात करता हूं, तो अगर मैं 1 ग्राम कार्बन की बात करता हूं, 1 ग्राम कार्बन, 1 ग्राम कार्बन, देखो 3 को आपने 1 कर दिया, तो ये कितनी ऑक्सीजन का कंबाइन कर रहा है? 4/3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल बोल सकता हूँ भाई 3 जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1 ग्राम कार्बन जो आपने कहा कि 3 ग्राम कार्बन जो है 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है, राइट। तो 1 ग्राम कार्बन कितनी ग्राम ऑक्सीजन का कंबाइन होगी? 4/3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये चीज आपको यहां समझाई जा रही है, ये चीज यहां आपको समझाई जा रही है। दैट इन अदर वर्ड्स कार्बन कंबाइंस विद 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन। ये क्लियर हो गया? ठीक है, देन सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। अर्लियर जो मास की जो मेजरमेंट होती थी, जैसे कि हम किसी चीज को वेट करते हैं किलोग्राम में, ग्राम में, तो एटम की जो मेजरमेंट यूनिट थी पहले एटॉमिक मास की, वो पहले थी एटॉमिक मास यूनिट। एटम्स की जो जब मास को मेजर किया गया, जब जहां से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, इनिशियली इसको मेजर किया जाता था, इसकी जो यूनिट होती थी वो होती थी AMU, एटॉमिक मास यूनिट, तो इसका एब्रीविएशन था। सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट अर्लियर एब्रीविएटेड एज AMU, पहले इसको क्या कहा जाता था? AMU। आज की डेट में इसको कहा जाता है यू। आज के डेट में जब हम एटॉमिक मास को मेजर करते हैं तो उसकी यूनिट होती है यू, और यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास। एज पर IUPAC, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उसके अकॉर्डिंगली आज के डेट में जब हम एटम का मास मेजर करते हैं तो उसकी यूनिट है यू, और यू का मतलब है यूनिफाइड मास। पहले जब स्टार्ट हुआ था, जहां से इसकी रिसर्च स्टार्ट हुई थी, वहां पर इसका जो नेम रखा गया था, इसकी जो मेजरमेंट होती थी वो AMU में होती है, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री रिकमेंडेशंस, इट इज नाउ रिटन एज यू। अब किसी भी एटम की जब मेजरमेंट होती है तो उसकी मेजरमेंट यूनिट जो होती है मास की, वो होती है यू। यू का मतलब यूनिफाइड मास, एज इक्वल टू द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। अब ये क्या है, इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है, ध्यान से समझना भाई। इनिशियली क्या था, देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब हम AMU की बात करते हैं, AMU की, तो AMU को जब मेजर किया गया, मैंने कहा ना रिलेटिव मास, तो किसके साथ मेजर किया गया, किसके रिस्पेक्ट में मेजर किया गया? उसको मेजर किया गया 1/16 मास ऑफ 1 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 16 एटम, 1 ऑक्सीजन 16 एटम। इनिशियली जब AMU को AMU जब जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी, जब इसकी इस पर रिसर्च की गई, तो हर एटम को जो मेजर किया गया, जैसे मैंने कहा ना कि रिलेट किया गया, किसके साथ रिलेट किया गया? 1/16 मास ऑफ ऑक्सीजन 16 एटम, 1/16 मास ऑफ 1 ऑक्सीजन 16 एटम, राइट। उसका रीजन क्या था कि ऑक्सीजन जो होता वो मोस्टली सबके साथ ही रिएक्ट कर जाता था, ये उसका कुछ रीजन था। ठीक है, पर लेटर ऑन IUPAC ने फिर क्या किया कि जब इस पर रिसर्च करना शुरू की, तो ये पहले तो देखा गया, सबसे पहले लिया गया हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन एटम का जो वेट था वो था 1.67 × 10⁻²⁶ ग्राम, 1.67 × 10⁻²⁶ ग्राम।
minus 24 gram, not minus 26, minus 24. 1.67. एक हाइड्रोजन एटम का जो वेट था वो था 1.67 इनटू 10^-24 ग्राम, ठीक है। पहले जो रिलेट किया गया वो हाइड्रोजन एटम के साथ, बाकी के एटम्स के मास को इसके कंपैरेटिवली मेजर किया गया, तो ये देखा गया कि जो बाकी के एटम्स का जो मास आ रहा था इसके कंपैरेटिवली वो फ्रैक्शन में आ रहा था। अब फ्रैक्शन में किसी चीज को याद करना या उसको माइंड में रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये भी क्यों किया गया, इसकी कोशिश भी क्यों की गई, भाई एक हाइड्रोजन एटम का भी आप मास देखो, एक एटम का 1.67 × 10^-24, ऐसे बाकी को अगर इसी तरह से लिखोगे तो कितना मुश्किल हो जाएगा उसको माइंड में रखना, और कितनी बड़ी बड़ी यूनिट्स आएंगी। तो एक होल नंबर में निकालने की कोशिश की गई जिसमें हाइड्रोजन तो फेल हो गया, कि पहले कोशिश की गई कि हाइड्रोजन को एक रिलेटिव एटॉमिक मास की तरह रखा जाए, लेकिन हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जब बाकी एटम्स के मास निकाले गए तो वो डेसिमल में फ्रैक्शन में आ रहे थे। इसी तरह से बाकियों के साथ भी देखा गया। तो इस तरह से जिस पर्टिकुलर एटम्स को क्राइटेरिया में रखा गया, यानी कि एक रेफरेंस पॉइंट में रखा गया, एक स्पेसिफिक पॉइंट में रखा गया, एक रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए रखा गया रिलेट करने के लिए, वो था कार्बन, आइसोटॉप्स C12 एटम, कार्बन 12 एटम। अब सबसे पहले आप ये समझो, ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, आइसोटॉप क्या होता है। एक एलिमेंट जैसे एक पर्टिकुलर, जैसे कार्बन है, कार्बन के क्या होते हैं, कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं। अब आइसोटॉप्स क्या होते हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, C12, C13, C14। मीन्स इन सभी का जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम है, लेकिन जो एटॉमिक मास है सबके डिफरेंट है। पर क्राइटेरिया जो लिया गया रिलेटिव एटॉमिक मास के रेफरेंस पॉइंट के लिए, वो लिया गया C12 को। क्यों? क्योंकि 98.99% जो है वो यही एग्जिस्ट करता है, बाकी का जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो इसका होता है। तो मेनली यही जो सबसे मेन आइसोटॉप है कार्बन का, वो यही है 98, जो हमारे आसपास हमें दिखाई देती है कार्बन, हमारी बॉडी में भी इवन कार्बन है। तो कौन सा आइसोटॉप को क्राइटेरिया लिया गया, C12। अब ये क्राइटेरिया कैसे लिया गया, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल आपकी बुक में दिया गया है, पहले आपको वो दिखाता हूँ। जैसे कि आपको पहले उस एग्जांपल पर लेके जाता हूँ, फिर वापस आते हैं। देखो अब इस एग्जांपल को आप ऐसे समझो कि भाई जैसे यहाँ पर आपको एप्पल दिखाई दे रहा है, मैं इस एप्पल को 2 की जगह मैं 1 एप्पल कर देता हूँ, राइट। थोड़ा समझना आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब हुआ क्या कि आप किसी शॉपकीपर के पास गए, और आपने उसको कहा कि भैया एप्पल का क्या रेट है। उसने कहा कि भाई 1 kg जो एप्पल है आपके वो 100 रुपीज के, 1 kg एप्पल जो है वो 100 रुपीज के, कितने के है, 100 रुपीज के। आपने कहा ठीक है, अगर 1 kg एप्पल 100 रुपीज के, आप ऐसा करो मुझे एक एप्पल दे दो। आपने क्या कहा, मुझे एक एप्पल दे दो, राइट। अब एक एप्पल को मेजर करने के लिए उसके पास कोई इतना छोटा बाट है, तो उसने क्या किया, उसने क्या दिमाग लगाया कि भाई ये एक वाटरमेलन है जिसका वेट उसने देखा कि कितना है, 60 ग्राम है। इस वाटरमेलन के उसने 12 पीसेस कर दिए, इस वाटरमेलन के उसने इक्वली 12 पीसेस कर दिए, 12 पीसेस कर दिए। अब एक वाटरमेलन पूरा जो है वो 60 ग्राम का है, इस वाटरमेलन के आपने कितने पीसेस कर दिए, 12 पीसेस कर दिए। तो 12 पीसेस जो है, 12 पीसेस का जो वेट है वो कितना हो गया, वो हो गया 60 ग्राम। इन दैट केस 1 पीस का वेट कितना होना चाहिए, दैट इज 60/12। तो 60/12 का मतलब क्या हो गया, 5 ग्राम। तो उसने जब मेजर, तो उसको ये क्लियर हो गया कि भाई ये जितने भी 12 पीसेस है हर एक पीस जो है मेरा वो 5 ग्राम का है। तो जैसे उसने एक एप्पल को रखा जो तराजू था, इस एक एप्पल को रखा जो तराजू था वो इसके एक पीस ऑफ वाटरमेलन के इक्वल आ गया, यानी कि बिल्कुल सेंटर पर आ गया। इससे ये क्लियर हो गया कि एक एप्पल का जो वेट है वो कितना है, 5 ग्राम। अब इसकी कॉस्ट आप निकाल सकते हो भाई, इसका मतलब यही हुआ ना कि 1000 ग्राम की जो कॉस्टिंग है एप्पल की वो 100 रुपीज है। तो 1 ग्राम की कॉस्टिंग कितनी हो जाएगी, 1 ग्राम की कॉस्टिंग हो जाएगी 100/1000। तो 5 ग्राम की कॉस्टिंग कितनी हो जाएगी,
5 ग्राम की कॉस्टिंग कितनी हो जाएगी, 100 बाय 1000 इनटू 5, तो 00 से 00 कैंसिल, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 1 बाय 2 का मतलब 0.5। ये समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, 1 ग्राम की कॉस्टिंग कितनी, 1 ग्राम एप्पल कितने का हुआ, 100 बाय 1000, दैट इज 0.1 रुपीज, यानी कि 10 पैसा। तो 5 ग्राम कितने का हुआ, 50 पैसे का, ये इसकी कॉस्टिंग आ गई। ठीक है, इसी तरह से अगर दो एप्पल का देखोगे तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर सेम वेटी है तो। क्राइटेरिया रेफरेंस पॉइंट किसको रखा गया है? इस पूरे ये जो पूरा वाटरमेलन था इसका 1/12 पार्ट, पूरा जो वाटरमेलन था उसका 1/12। इसी तरह से जब एटम्स की जो मेजरमेंट की जाती है उसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है, ये वाटरमेलन हो गया आपका आइसोटॉप C12 और ये वन पीस हो गया 1/12, 1/12 ऑफ मास ऑफवन एटम ऑफ C12। तो ये हो गया आपका वन एटम ऑफ C12। तो ये वन पीस जो हो गया 1/12 इस पूरे एटम का, पूरा एटम, ये वन एटम ऑफ C12 हो गया, और वन पीस क्या हो गया, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। अब जब मैं ये जब हम ये कहते हैं कि भाई जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 24 यूनिट होता है, तो 24 यूनिट का मतलब मैग्नीशियम जो है 24 टाइम्स है 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। जो हम कहते हैं हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 यूनिट है, इसका मतलब हाइड्रोजन जो है 1 टाइम है 1/12 ऑफ मास ऑफ एल्यूमिनियम, 1 एटम ऑफ कार्बन 12। जब हम ये कहते हैं कि एक एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास है वो 27 यूनिट है, 27 यूनिट, इसका मतलब ये 27 टाइम्स है 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। तो ये रेफरेंस पॉइंट रखा गया। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, फिर भी कोई डाउट रह जाएगा कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना, मैं नेक्स्ट क्लास में जो भी होगा उस डाउट को क्लैरिफाई कर दूंगा। ठीक है, तो चलो फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से हमने शुरू किया था, यहां तक हमारा हो गया था। ठीक है, अब जो चीज मैंने एक्सप्लेन की है अब वो चीज आप देखो दोबारा, एज इक्वल टू द वन मास ऑफ वन कार्बन 12, उसको क्यों रखा गया है, ताकि सारी जो वैल्यूज है फिर हमें होल नंबर में मिली। Then we would assign carbon an atomic mass of 1 unit, atomic mass of 1 unit, and oxygen, ये तो carbon monoxide की बात हो रही है। ठीक है, अगर carbon monoxide की आप बात करते हो और carbon को अगर हम कहते हैं कि carbon का जो atomic mass है वो 1 unit है, तो oxygen का कितना होना चाहिए, 1.33 होना चाहिए carbon monoxide के केस में। ठीक है, अब आगे देखो, however इट इज मोर कन्वीनियंट टू हैव दीज नंबर एज होल नंबर, जो मैंने अभी कहा कि कोशिश कहती है कि भाई होल नंबर, क्योंकि वो ऐसे याद रखना पॉसिबल है, एज नियर टू ए होल नंबर, जितना पॉसिबल हो एक पर्टिकुलर होल नंबर हो, एक आध एलिमेंट में डेसिमल में है तो चलेगा, सारे डेसिमल में हो तो याद कैसे रखोगे, राइट। तो जब ये रिसर्च शुरू हुई वाइल सर्चिंग फॉर वेरियस एटोमिक मास यूनिट, साइंटिस्ट इनिशियली टुक 1/16 तो मास ऑफ एन एटम ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन। तो सबसे पहले तो AMU वाले केस में, जब AMU पर मेजरमेंट की जाती थी, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इनिशियली जो रिलेटिव मास रखा गया वो किसके साथ किया गया, 1/16 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन एज द यूनिट, राइट। ऐसा क्यों किया गया, दिस वॉज कंसिडर्ड रेलिवेंट ड्यू टू 2 रीजन, इसको क्यों लिया, ऑक्सीजन को क्यों कंसिडर किया गया, बिकॉज ऑक्सीजन रिएक्टेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट एंड फॉर्म कंपाउंड, ऑक्सीजन बहुत सारे एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर जाता है और कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, एंड दिस एटोमिक मास यूनिट गेव मासिस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एज होल, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स का जो जब रिलेट किया गया 1/16 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो मोस्टली का तो जो होल नंबर पे ही मेजरमेंट आ रहा था, जो हम चाहते भी थे, जो साइंटिस्ट उस टाइम पर चाहते भी थे। However, in 1961, for a universally accepted atomic mass unit, carbon 12, लेकिन इसके बाद इसको चेंज किस पर कर दिया गया, कार्बन 12 में, इससे और ज्यादा एलिमेंट्स के जो मास है वो होल नंबर्स पर आगे थे। कार्बन 12 आइसोटॉप वॉज चोजन एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटोमिक मास, ये सारी चीजें मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, वन एटोमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू द एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। वाटरमेलन पूरा 1 एटम ऑफ कार्बन 12, उसका 1/12 पार्ट, वो जो 1 पार्ट है वो क्राइटेरिया रखा गया, वो स्टैंडर्ड पॉइंट था, वो रेफरेंस पॉइंट था मेजरमेंट का।
ठीक है। अब किसी भी एटम का मास अगर 12, किसी एटम का मास मान लो 4 ग्राम, 4 यूनिट है, तो इसका मतलब वो जो है 1/12 तो मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 के 4 टाइम्स है। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विद रिस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन 12। क्लियर है यहां तक? ठीक है। जैसे कि अभी जो एग्जांपल मैंने दिया वही देखो, यहाँ आपको बताया गया, इमेजिन अ फ्रूट सेलर सेलिंग फ्रूट्स विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट विद हिम। ही टेक्स अ वाटरमेलन एंड सेज दिस हैज अ मास इक्वल टू 12 यूनिट। उसने एक वाटरमेलन ले लिया, उसका जो मास है वो मान लिया पूरे वाटरमेलन का मास है 12 यूनिट, 12 वाटरमेलन यूनिट्स और 12 फ्रूट्स मास यूनिट। ही मेक्स 12 इक्वल पीसीज ऑफ द वाटरमेलन। अब उसने उसी वाटरमेलन के 12 पीसीज कर दिए। अब पूरे वाटरमेलन का जो मास है वो 12 यूनिट है, तो एक पीसीज का कितना हो गया 1 यूनिट। ठीक है। एंड फाइंड द मास ऑफ ईच फ्रूट ही सेलिंग, जो भी फ्रूट वो बेच रहा है उसका मास उसने फाइंड किया, रिलेटेड टू द मास ऑफ 1 पीस ऑफ द वाटरमेलन। अब यहां पर जो वाटरमेलन हमारा वो क्या हो गया, 1 एटम ऑफ C12, और उसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या हो गया, उसका एक पीस वाटरमेलन का, दैट इज 1/12 तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। आई होप यहां से बहुत अच्छे से आपको क्लैरिफाई हो रहा होगा सब कुछ। ठीक है। Now he sells his fruits by relative fruit mass unit FMU, fruit mass unit, atomic mass unit AMU, fruit mass unit, देखो कितना बढ़िया बन रहा है, FMU, AMU, as in figure. अब देखो इस figure के हिसाब से अगर आप जाओ तो एक example मैंने दिया था आपको grams में, और एक example है आपकी book में आपको दिया हुआ, वो in terms of unity दिया गया जैसे atom में होता है। तो यहाँ पे यहाँ के हिसाब से आप इस example को देखो, आप यहाँ पे दो apple है, दो एप्पल जो है वो 1 पीस के इक्वल है, अब एक पीस जो है 1 यूनिट के इक्वल है, यानी कि 2 एप्पल्स का जो वेट है वो कितना हो गया 2 FMU, राइट, सॉरी 1 FMU, दो एप्पल्स का जो वेट है, 2 एप्पल्स का जो वेट है वो इस 1 पीस के इक्वल है, और 1 पीस का जो वेट है वो कितना है 1 FMU, 1 फ्रूट मास यूनिट। यही सेम चीज एटम्स के लिए होती है, ये जो 1 पीस है आपका ये हो गया 1/12 ऑफ मास ऑफ C12, कार्बन C12, राइट। अब किसी भी एटम का मास अगर हम कहते हैं 27 है, 35.5 है, कुछ एटम्स का मास डेसिमल में आता है, पर मेजोरिटी में जो है वो होल नंबर में आता है। जैसे ऑक्सीजन है 16 है, 16 का मतलब ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 टाइम्स है 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन C12। एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास। आई होप इट इज क्लियर टू यू। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल प्रोसीड विद द फर्दर कंसेप्ट। ठीक है। दिस इज फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।